नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मीर भट्ट, मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र हैं। और बाजार इस समय थम्स अप देते हुए, जो नई एफडीआई पॉलिसी है उसके बाद मार्केट इस समय इंट्राडे हाई पर, यानी निफ्टी 8,235 पर इस समय ट्रेड कर रहा है, जबकि सेंसेक्स में 220 अंकों की तेजी इस समय देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट बाजार ने खुलने के बाद भी एक जो शुरुआती एग्जिट का झटका था उसके बाद संभला हुआ रुझान ही दिखाया, काफी मैच्योर्ड और बार बार 8,200 के ऊपर निकलने की कोशिश की इवेंचुअली। तो जो इंट्राडे लो आज के लिए था निफ्टी का, वो था 8,107 का। वहाँ से इस समय अगर हम देखें जो रिकवरी है, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स की तेजी। सुबह से अब तक ट्रेड में क्या हुआ ये देख लेते हैं, बताइए भैया। मीर, आज आई थिंक सुबह एक ही खबर नेगेटिव थी, अगर आप देखें आर एग्जिट, लेकिन उसके बाद से जितनी भी खबरें आईं सब देख लीजिए पॉजिटिव। इनफैक्ट अगर आप देखें, जो इनफैक्ट ब्रेक्जिट को लेकर एक लोकल पोल हुआ उस पर अगर आप देखें, फोर्सेस यही कह रही हैं, वहाँ पर मैंडेट यही मिल रहा है कि शायद ये ना हो, ये वास्तविकता ना हो। उसके बाद एफडीआई को लेकर सरकार का अगर आप देखें, ऑलमोस्ट ये जो तुरफ का इक्का चलाया उन्होंने आज, और लोकल फंड्स की बाइंग, ये शायद बाजार को इस वक्त सबसे ज़्यादा इंप्रेस करती है, मार्केट से डे हाई। और दूसरा फैक्टर अगर आप देखें, आईटी टेक और रियल्टी शेयर में आज जोरदार बाइंग, आई मीन रेट्स की जो खबर थी उसके बाद से अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमने रियल्टी स्टॉक्स में देखा। तीसरी चीज़ वो है आज एफडीआई नियम में जो बदलाव हुआ, उससे एविएशन, फार्मा, डिफेंस और DTH कारोबार वाली कंपनी को लेकर सेंटिमेंट बाजार का काफ़ी सुधरा था। ये मिड कैप में, आई मीन अगर आप देखें DTH जैसी कंपनियां, डिफेंस कंपनियां और मिड कैप फार्मा, अगर आप देखें इनमें ट्रेडर्स का जो आई थिंक जो कहीं ना कहीं रुझान है बढ़ेगा, और जो कहीं ना कहीं डाउनसाइड रिस्क खुल रहा था मेरी, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आगे अगर आप देखिए चौथे पायदान पे, वो है फर्टिलाइजर और शुगर शुरू में आज जोरदार खरीदारी है, नो डाउट। ये दोनों स्पेस काफ़ी समय से अगर आप देखें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, और आज एक बार फिर से ट्रेडर्स ने यहाँ पर दाव लगाया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कमजोर शुरुआत के बाद सरकारी बैंक अगर आप देखें एक बार फिर संभले, और आखिरी के एक घंटे में स्पेशली अगर आप देखें निफ्टी बैंक पर नजर रहेगी मेयर, समहाउ इसने 17,700 की डिजिट्री को होल्ड किया, वहाँ पर बड़ा शांत बैठा है। लेट्स सी कि आखिरी के घंटे में यहाँ पर क्या होता है मेयर। जी हाँ बिल्कुल, चलिए उन स्टॉक्स को देख लेते हैं जिस पर आज बात करेंगे। जेट एयरवेज 4.5% ऊपर, स्पाइस जेट 6.5%, इसके अलावा फार्मा स्पेस में भी जो बदलाव हुए हैं एफडीआई पॉलिसी में, और अरविंदो फार्मा करीब 0.25% ऊपर, लेकिन डिश टीवी 2.5% ऊपर, वालचंद नगर डिफेंस स्पेस का काउंटर ये करीब 5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। साथ ही एस्ट्रा माइक्रोवेव, BEML, टाटा स्टील, HCL टेक और टेक महिंद्रा, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिन पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। साथ ही स्टॉक्स को मैं डिस्कस करूंगा, उसमें शामिल है इस वक्त इंडिगो, वॉकहार्ट, L&T को देखिए 1500 के स्तर पर, भारत फौज, मद्रास फर्टिलाइजर्स, इसमें करीब 17% का मूव है। उसके बाद अगर आप देखें कुछ और सेल्फ स्टॉक्स, उसमें इमामी इंफ्रा और मैंग्लो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, GM ब्रेवरीज, HCL इन्फो सिस्टम 40-55% पे, और DLF करीब 4% ऊपर कारोबार करता हूँ। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ अभी खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। पुनीता कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स एज ऑलवेज एंड प्लेजर स्पीकिंग टू यू। सो हाउ आर यू फीलिंग, यू नो सैटरडे देयर वाज लॉट ऑफ ग्लूम, लग रहा था पता नहीं मंडे क्या होगा ओपनिंग के बाद, बट आई थिंक मार्केट हैज प्रेफर्ड टू लुक एट द पॉजिटिव्स। ग्लोबल क्यूज वैसे भी आज पॉजिटिव थे, क्या व्यू है आपका मार्केट पर? I think is a very volatile week in my view, because Brexit ka decision is week hoga, and even though markets are up, ab dekhiye currencies thodi weak hui hain, and I think based on what happens in Brexit, this could be a very turbulent time for currencies. तो ज़्यादा ध्यान I think currency markets पे होना चाहिए, stock markets पे थोड़ा सा कम ध्यान रहेगा। मैम एग्जैक्टली आपकी फीलिंग क्या है, मैंने आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, ब्रेक्जिट जो कि एक बड़ा इवेंट है, ये मार्केट्स के लिए कौन सा एग्जैक्टली अगर आप देखें जो मोड है वो तैयार कर रहा है? मैंने आज अगर आप देखें वहाँ जो लोकल सर्वेस थे, जो लोकल अगर आप देखें पोल्स थे, उसमें कहा गया कि नहीं ये शायद नहीं हो, ब्रिटेन शायद रहेगा मौजूद इस में। तो ऐसे में एग्जैक्टली अगर ये होता है, ब्रिटेन बाहर नहीं आता है, तो मार्केट्स का, इमर्जिंग मार्केट्स का एग्जैक्टली जो फ्लो है वहाँ की तरफ, जो FDI फ्लो, ये माफ कीजिएगा FI फ्लो है, वो कैसा महसूस करती रहेगा? जो देखिए अगर मेरा ब्रेक्जिट पे क्या होगा वो व्यू तो मेरा नहीं है, क्योंकि कुछ भी कहना मुश्किल है, हम लोग वहाँ पर बैठे नहीं हैं ताकि पोल्स के पर डिपेंड कर रहे हैं। तो लेट्स अज्यूम कि अगर ब्रेक्जिट नहीं हुआ एंड रिमेन हुआ, तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म एक पॉजिटिव होगा, बिकॉज लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा आउटफ्लोज हुए हैं इमर्जिंग मार्केट्स से एंड इक्विटी मार्केट से ऑन दिस कंसर्न।
So some of those flows might come back temporarily. But अगर आप देखें global economy की situation, वो अभी भी काफी precarious ही है. कोई खास recovery नहीं हो रही globally. And US markets के valuations भी high ही हैं. So अगर flows वापस आए भी, तो within think a few months, फिर से focus will be back onto what is happening globally, and if the economies aren't recovering, then there will be quite a bit of concern developing. And usse phir markets mein kaafi negative impact aa sakta hai. Mere aapko yaad hoga subah hum baat kar hi rahe the. I mean, aaj ye bazaar ke liye bahut bura din ho sakta tha. I mean, sirf agar ye khabar akele hoti exit ki. Lekin uske baad dekhiye Brexit ko lekar, especially aap dekhiye main FDI ke front pe jo sarkar ne aaj ek almost एक ऐसा कहीं ना कहीं एक एक कदम उठाया जिसने जितने भी डाउनसाइड खोज रही फोर्सेस थी ना उनको सडनली बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया आज. बिल्कुल बिल्कुल. और इनफैक्ट इसलिए आपको याद होगा मैंने ये कहा भी था कि आज की क्लोजिंग कहाँ होती है ये देखना होगा. अब देखिए स्टैंडर्ड ऑन बेसिस पे आप आज की क्लोजिंग को देखिए तो इतिहास में ये दिन कैसे जाएगा कि मिस्टर राजन ने रेजिग्नेशन अनाउंस किया और उसके अगले ही ट्रेड में मार्केट 1% ऊपर. डीआई फोर्सेस जो है काफी स्ट्रांग. डीआई फोर्सेस हमारे साथ चलिए इस पर. इनफैक्ट आज क्योंकि इतना क्रिटिकल दिन है तो हमारे पास काफी क्रिटिकल और काफी बड़े फेसेस भी हैं. हमारे साथ श्री निपुण मेहता भी हैं, साथ ही श्री आनंद टंडन है, पुनीता कुमार सिन्हा जी हैं हमारे साथ, अनुज दीक्षित हमारे साथ बने हुए हैं. शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. सो निपुण, इनफैक्ट आपने ज्वाइन किया उससे पहले हम मैम से भी यही बात कर रहे थे एंड कुछ हद तक इंटरनेशनल क्यूज हावी हैं इस पूरे हफ्ते ही मार्केट पे, बीट ब्रेग्जिट. लेकिन आज मार्केट ने ये जो ब्रीदर लिया है उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यूरोपियन मार्केट से भी आया है, जहाँ पे जो वहाँ पे लोकल पोल हुआ है उसमें ये निकल कर आया है दैट देर आर चांसेस कि ब्रेग्जिट ना हो इवेंचुअली रेफरेंडम के बाद. आपका व्यू क्या है? Well, I think on the one side, जो भी weekend पे over the weekend हुआ था RBI governor के exit के, I think that was broadly discounted in the first few minutes. लेकिन after that, जो भी clearly Europe से indications आ रहे हैं, they are definitely positive क्योंकि ये uncertainty एक overhang जरूर है, not just domestic markets but global markets के ऊपर. दूसरा, I think of course monsoon का wider spread hona over the last few days is something that's definitely a positive and the markets are discounting that. And I think the third I would look at it as jo bhi FDI ke announcements aaye hain is more in terms of opening out of the economy and that's being taken in terms of an announcement in terms of a policy measure very positively by the market. So I think a part of each of these three have contributed to the rise today. इस बीच आप देखिए forex market में भी और almost रुपया शानदार pullback के साथ, अगर आप देखें शानदार pullback सुबह almost आप देखिए 67-68 की trajectory में था और सुबह एक almost currency market में panic से नजर आ रहा था लेकिन now it's trading at 67-36 तो शानदार pullback आ रहा है. इनफैक्ट सुबह खबर भी थी कि RBI ने काफी डॉलर सेल किए हैं, बैंक्स ने काफी डॉलर सेल किए हैं. उसके बाद से अगर आप देखें रिकवरी बोर्ड में रुपया इस वक्त 67-35 पे. मिस्टर नन, आप कैसे देखते हैं आज जो इनफैक्ट FDI, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे फार्मा हो, चाहे DTH हो, चाहे मोबाइल टेलीविजन हो, सब में जिस तरीके से खोला गया है, आई थिंक आज के अनाउंसमेंट के साथ जो रेग्जिट का इम्पैक्ट हो सकता था, क्या वो कहीं ना कहीं वो जो डाउन साइड रिस्क उसके बाद ओपन हो रहा था वो रेस्ट्रिक्ट हो गया आज की इन खबरों के साथ, आपको लगता है? मिस्टर नन, सुन पा रहे आप मेरे को? जी सॉरी. तो जो पॉलिसीज आज ली गई हैं वो डेफिनेटली पॉजिटिव हैं. एक तरह से फिर से FDI को लिबरलाइज करने में जो गवर्नमेंट का संकेत है वो साफ जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया रेडी है. ब्रेक्सिट के ऊपर हमारा कोई ना तो कुछ रिएक्शन हो सकता है ना कुछ हम उसमें कर सकते हैं, तो वो तो ग्लोबल फैक्टर है जो कि रहेगा. अगर ब्रेक्सिट होता है तो डेफिनेटली एक बार उछल कूद बहुत हो जाएगी, वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी और शायद थोड़े दिन के लिए इमर्जिंग मार्केट से फिर से पैसा निकल जाए. लेकिन अगर ब्रेक्सिट नहीं आता, जो कि अभी फिलहाल के संकेत जो आ रहे हैं वो यही है, तो मेरे हिसाब से अगर आप ग्रोथ पे फोकस करें तो बाकी सब न्यूज़ जो है वो इरेलेवेंट है.
बिकॉज फाइनली मार्केट के लिए क्या डिपेंडेंट है वो ये है कि अर्निंग्स ग्रोथ कितनी आती है. तो गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर ग्रोथ के ऊपर फोकस रहेंगी तो भारत के लिए बढ़िया रहेगा और बाजार के लिए भी.